ज्ञान मोती ग्रुप प्रेजेंट्स। बाबा ने कहा, लौकिक दुनिया के जो जस्टिस होते हैं वह तो सिर्फ बोल और कर्म को ही जज कर सकते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे कोई के संकल्प को भी जज कर सकते हो, परंतु सही निर्णय वही ले सकता है जिनका बुद्धि रूपी कांटा एकाग्र हो। फिर बाबा ने कहा, इसमें कई बातों का बैलेंस चाहिए, जैसे बोल और कर्म का, लव और ला का, और ऐसे ही स्नेह और शक्ति का भी बैलेंस होना चाहिए, तो ऐसा जस्टिस यथार्थ जजमेंट दे सकता है। अब अगली बात जो बाबा समझा रहे हैं वह बहुत अटेंशन देकर सुनने की है। बाबा ने कहा, लौकिक जज अगर जजमेंट रोंग देते हैं तो किसी आत्मा का एक जन्म या कुछ समय व्यर्थ गंवा सकते हैं, लेकिन आप रूहानी जस्टिस अगर किसी को सही से नहीं परख सके तो उस आत्मा के अनेक जन्मों की तकदीर को नुकसान पहुंचाने के निमित्त बन जाएंगे। बाबा ने कहा, दुनिया में जो तड़पती हुई आत्माएं हैं उनकी प्यास बुझाने के निमित्त आप बच्चे ही हो, बाप तो सिर्फ बैकबोन है, तो क्या अपने ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हो? किसी भी आत्मा को तृप्त करने के लिए पहले तुम्हारे अंदर परख शक्ति जरूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो किसी को जरूरत हो शांति की और आप उनको सुख का रास्ता बताते रहो। और लास्ट में बाबा ने कहा, तुम किसी की भी इच्छा तभी पूरी कर सकते हो जब तुम्हारे अंदर इच्छा मात्रम अविद्या की क्वालिफिकेशन आएगी। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।